चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ करंट इज पासिंग, करंट आई इज पासिंग थ्रू अ वायर हैविंग टू सेक्शंस पी एंड क्यू ऑफ अ यूनिफॉर्म डायमीटर, ठीक है, डी एंड डी बाई टू रिस्पेक्टिवली। इफ मीन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेक्शन पी एंड क्यू डिनोटेड बाई वी पी एंड वी क्यू रिस्पेक्टिवली, तो उनके बीच क्या रिलेशन क्या होगा। सो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, करंट पासिंग थ्रू अ वायर हैविंग टू क्रॉस सेक्शन, दो क्रॉस सेक्शन है जिसका डायमीटर अलग अलग है। इसका डायमीटर डी है यहां से यहां तक, इसका डायमीटर यहां से यहां तक का डी बाई टू है, करेक्ट है। और ड्रिफ्ट स्पीड इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए वन, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए टू, करेक्ट है। तो ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई डी स्क्वायर बाई फोर ये होता है, और ए टू की वैल्यू यहां पर पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर बाई फोर बाई फोर, करेक्ट है, सही है। सो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर डी, पाई डी स्क्वायर सॉरी पाई डी स्क्वायर बाई सिक्सटीन, ये पाई डी स्क्वायर बाई फोर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, अभी एक कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस किया था, करंट कांस्टेंट है तो एन ई ए वी डी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी ए इंटू वी डी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, क्योंकि एन और ई तो कांस्टेंट होते ही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, तो इसका मतलब है पी पॉइंट का वेलोसिटी डिवाइडेड बाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्यू पॉइंट की वेलोसिटी इज इक्वल टू, इक्वल टू कर दे रहा है, इक्वल टू पी क्यू पॉइंट का एरिया क्रॉस सेक्शन अपॉन पी पॉइंट का एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये पी पॉइंट, ये पी सेक्शन है, ये क्यू सेक्शन है, तो ये पी क्रॉस सेक्शन है और ये क्यू क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं यहां पर तो क्या आना चाहिए बताओ, पाई डी स्क्वायर बाई सिक्सटीन बाई पाई डी स्क्वायर बाई फोर, तो वी पी बाई वी क्यू क्या आ जाएगा, वी पी बाई वी क्यू इज इक्वल टू वन बाई फोर आएगा। सो वी पी बाई वी क्यू इज इक्वल टू वन बाई फोर का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो इसको या ऐसे लिखते हैं वी पी इज इक्वल टू वी क्यू बाई फोर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, वी पी इज इक्वल टू वन बाई फोर वी क्यू, यही है ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।